हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम मेथी मलाई मटर बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बनाने वाले हैं। मसाले जरूर ज्यादा हैं बट जिंजर, गार्लिक, टोमेटो वगैरह हमने यूज नहीं किया है। बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये मैं आपको बताना चाहूंगी, व्हाइट ग्रेवी है। अगर आपको कभी भी व्हाइट ग्रेवी में कुछ बनाना है तो ये इससे बना सकते हैं। आइए इंग्रेडिएंट्स शेयर करते हैं। ये मैंने 2 टेबलस्पून ड्राई मेथी ली है, कसूरी मेथी भी बोलते हैं इसको। अगर आपकी ये थोड़ा सा सीली हुई है तो आप इसको ड्राई रोस्ट करके और क्रश कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। 4 टेबलस्पून मैंने काजू का पेस्ट लिया है, काजू भिगोकर उनको मिक्सी में पीस लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने कर्ड ली है, 1 टीस्पून मैंने क्यूमन सीड्स लिया है, सॉल्ट टू टेस्ट है, 1 टीस्पून शुगर है, ब्लैक सॉल्ट लिया है, 1 चिली को फाइनली चॉप कर लिया है, 1 कप मैंने बॉइल्ड पीस लिए हैं, मटर को बॉइल कर लिया है, और उसका पानी भी मैंने यहाँ पर रख लिया है। पानी फेंकना नहीं है, वो पानी हम यूज कर सकते हैं। 3-4 टेबलस्पून ऑयल है। ये मैंने 2 बड़ी अनियन को पहले पानी में भिगोया, फिर उसके बाद उनके स्लाइस कर लिए। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 2 टेबलस्पून एवरीडे का मिल्क पाउडर है, पिंच ऑफ ब्लैक सॉल्ट है, और फ्रेश अमूल क्रीम है, घी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पैन को हमने गरम कर लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर ये प्याज डाल रहे हैं। स्लो गैस पर ही हमको इसको लगातार चलाना है और हमको इसे बिल्कुल भी पिंक या ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। यानी ये जो जैसे प्याज अभी थोड़ी सी हार्ड है, सॉफ्ट होते ही हमें इसे निकाल लेना है और इसको ठंडा करके ग्राइंड करना है। ये प्याज देखिए सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। यानी जो इसमें खड़ापन था, क्रिस्पी था, वो नहीं रहा और ये बस सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे निकाल के मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ पेस्ट हमने बना लिया है। अगर आपकी मिक्सी में ये नहीं पिस रहा है, थोड़ा है, तो आप 1 टेबलस्पून की तरह पानी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून थोड़ा सा ही डालना, क्योंकि भूनने में नहीं तो प्रॉब्लम आती है। हमने पैन को गर्म कर लिया है, वही पैन हमने ले लिया है जिसमें से हमने प्याज निकाली थी। इसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है और साथ में जो ये ग्राइंड किया हुआ पेस्ट है वो हम डाल रहे हैं। इसको भी हमें ज्यादा नहीं भूनना है, गैस को सिम करके बिल्कुल, और थोड़ा सा इसका जो प्याज का कच्चापन है उसी को हल्का सा बस फ्राई करना है। व्हाइट ही रहने देना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें इसके साथ ही काजू पेस्ट डाल देंगे और इसको भी हम भूनेंगे। 2 मिनट्स के करीब हम इसको भूनेंगे साथ में। ये पेस्ट हमारा भुन गया है, क्योंकि 2 मिनट हमें हो गए हैं। देखिए आप, कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया है, वो जो आपका पानी अलग था वो ऐसा नहीं लग रहा है। अब हम इसमें ये ड्राई मसाले जो आपको बताए थे वो डाल रहे हैं और इनको मिक्स करते जाएंगे। धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा शुगर ऑप्शनल है। अगर आप हल्का सा मीठा पसंद करते हैं तो 1 या 1/2 टीस्पून शुगर डाल सकते हैं, आप हनी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, साथ में कर्ड डालेंगे। टोमेटो की जगह हमने कर्ड यूज किया है। एक्चुअली में हम ये व्हाइट ग्रेवी बना रहे हैं इसलिए इसमें रेड हमने चिली भी नहीं डाली है। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे ताकि लिम्स ना हो।
लम्स ना पड़े हैं, इस टाइप से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे, वन पिंच हम ब्लैक सॉल्ट डालेंगे इसमें, ओनली वन पिंच। सॉल्ट भी बहुत ज्यादा नहीं डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे मसालों को फिर से बहुत सिम गैस पर भूनेंगे धीरे धीरे, ताकि नीचे लगे नहीं और ये अच्छे से भुन जाए। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप अगर इलायची फ्लेवर पसंद करते हैं तो वन पिंच इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये भुन गया है, खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें ये मटर जो उबाल के हमने रखे हैं वो डाल देंगे। आप फ्रोजन मटर भी यूज कर सकते हैं, बट फ्रेश मटर ज्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसी के साथ हम इसमें जो हमने मटर उबाले थे जिस पानी में, उस पानी को डालेंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना पानी आप ऐड करेंगे। इसको लगातार चलाएंगे। ये देखिए, व्हाइट ग्रेवी में जब मलाई कोफ्ता बनाते हैं वो भी आप इस टाइप से बना सकते हैं। हम थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड करेंगे और इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। टू टेबलस्पून हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। बॉईल हो चुका है ये हमारा, ये कम ज्यादा आप कर सकते हैं। मलाई भी आप घर की ले सकते हैं, जो घर में दूध पर मलाई आती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। और फिर से इसको एक बॉईल आने देंगे। आप इस बीच चक्कर देख सकते हैं, अगर किसी चीज की कम नमक ज्यादा है, नमक कम है, वो आप चक्कर आप कम ज्यादा कर सकते हैं। चीनी आप शुरू में बहुत कम डालिएगा, पहले टू पिंच ही डालिए, फिर जैसा आपको पसंद है उस हिसाब से ऐड कर दीजिए। अभी हम ये हमने पैन लिया है, इसको गर्म कर लिया और इसमें हमने वन टेबलस्पून घी लिया है। ये देखिए, वन टेबलस्पून घी है। और इसको गर्म होने के बाद मैं इसमें जीरा डाल रही हूं, जो हमने उस समय नहीं डाला था। ये देखिए, जीरा तड़कने देंगे हम, और इसके साथ साथ हम इसमें ग्रीन चिली डाल देंगे, क्योंकि रेड चिली हमने यूज नहीं की है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लगने वाला है। और इसके साथ ही मेथी डाल देंगे और गैस को बिल्कुल सिम कर देंगे, कसूरी मेथी। आप यहाँ पर फ्रेश मेथी भी ले सकते हैं, लेकिन उसके केवल पत्ते तोड़ने हैं, कड़वा हो जाती है वो। पत्ते तोड़ने के बाद आप इसी टाइप से उसको बघार करके ड्राई करके अलग रख सकते हैं, बट कड़वा ना लगे, बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए हमने कसूरी मेथी यूज की है, ड्राई मेथी। ये लगभग तैयार है। अब हम अपनी सब्जी को यहां लेके आते हैं और इसके ऊपर ये बघार डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये लग रहा है। तो आइए प्लेटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये मेथी मलाई मटर बनकर तैयार है। कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।